हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप लोगों ने एसी डीसी फैन की फिटिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले मैंने लिया है अलहम्द का सोलर पंखा, एसी डीसी फैन मैंने लिया है एंड ओपन करेंगे। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन यहाँ मौजूद है, इंग्लिश में इसकी मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन मौजूद है। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसे निकालते हैं। इसके नीचे फॉर्म दिया गया होता है, वो फॉर्म आप लोगों ने निकालना नहीं है जब तक आप लोग फुल फिटिंग ना कर लें। ये ना हो कि आप फिटिंग से पहले उसे ज़मीन पर रख लें तो वो फॉर्म नीचे पड़ा हो पहले से। प्लास्टिक इसका आप लोग रिमूव कर लेंगे, देन इस तरह से आप लोगों ने प्लास्टिक रिमूव करना है। नीचे आप लोगों ने फॉर्म नहीं हटाना एंड ओपन करना है इसको। यहाँ से ओपन करेंगे, ये इसलिए दिया गया है कि आपका जो नीचे का ये कैप है वो हिले नहीं। देन आप लोगों ने इसे अच्छी तरह, इसमें तीन चार पाँच चूड़ियाँ बनी होती है, उससे आपने इसको ओपन करना है। देन यहाँ स्क्रू से भी ये लॉक्ड है तो इससे स्क्रू भी आप लोगों ने खोल लेना है। अभी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल बंद हुआ हुआ है तो इसलिए आप बाद में इसको टाइट करेंगे। 12 वोल्ट का डीसी प्लस, यानी कि आप लोगों 12 वोल्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपने बैटरी फिटिंग करनी, और यहाँ आपको दूसरी तरफ 220 वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एसी, एक तार आप लोगों ने राइट साइड पर लगानी है और एक तार आप लोगों ने लेफ्ट साइड पर लगानी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 12 वोल्ट की यानी कि बैटरी से चलने वाले सिस्टम ओपन करेंगे। नट आप लोगों ने खोलने हैं, नट पूरा नहीं निकाल लेना वरना वो वापस नहीं लगता। थोड़ा सा खोलना है कि आप लोग की बस वायर अंदर चली जाए। वायर को आप लोगों ने प्लास से निकालना है, उसके तार को रिमूव करके अच्छी तरह से आप लोगों ने राउंड करके गोल करना है इस तरह से। एंड खाली वायर आप लोगों ने नहीं लगानी, उससे क्या होता है कि नट टाइट करने से उसका वायर एक दो तीन वायर टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने पहले फोल्ड करके इस तरह गोल बना के अंदर करना है और अच्छे से इसको टाइट कर लेना है कि खिंचने अगर खिंच भी जाए तो वो ना निकले। सेकंड आप लोग लगानी है रेड पे, मैंने रेड की लगाई है। ब्लैक जो है वो ब्लैक मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसके लिए वाइट इस्तेमाल की है, लेकिन रेड कोशिश किया करें कि रेड के आप लोग रेड ही लगाएँ। देन इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, इस वायर को भी अच्छी तरह से गोल करके आप लोगों ने लगा लेना है, अच्छी तरह से टाइट करके इसको सही कर लेना है। एंड देन आप लोगों ने इसे लगा देना है और इस वायरों को आप लोगों ने बीच से निकाल लेना है, साइडों पे नहीं रखना क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आप लोगों ने इसको पहले बीच से निकाल लेना है एंड इस तरह निकालने के बाद आप लोगों ने थोड़ी सी तार पीछे छोड़नी है। इस तरह से आप लोग थोड़ी सी तार पीछे छोड़ देंगे ताकि खींचे भी तो पूरी ना निकले। फिर आप लोग क्या करेंगे, 220 वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले आप लोग ऑप्शन को खोलेंगे। नट से यहाँ बंधा होता है, दूसरा वाला मैंने बांध दिया, जो उसका अपना नट था वो थोड़ा ख़राब था तो मैंने दूसरा नट लगाया। एंड देन यहाँ पर इसको भी इसी तरह ओपन करना है, देन पूरा नहीं निकालना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पूरा निकालने से आप लोग का नट वापस नहीं लगेगा, पीछे से वायर निकल जाएगा तो फिर लगाना और मुश्किल हो जाता है। देन आप लोगों ने इसी तरह दोनों वायरों को लगाना है। इस तरह से आप लोगों ने टेस्टर की मदद से टाइट कर लेना है। देन उसके बाद सेकेंड वायर को आपने लगाना है। इसकी मैं तार दोनों सेम कलर की ले रही हूँ, अगर आप लोग को सेम में मसला हो तो आप अलग अलग कलर का ले लीजिएगा। आपने चारों तारों को यहाँ से गुजार लेना, एसी का अलग साइड का, डीसी का अलग साइड का। देन अब हम निकालेंगे इसका स्टैंड। स्टैंड आपको जो पंखे का, जिसमें आपके पंखे के पर पड़े होते हैं उसमें आपके इसमें स्टैंड मौजूद होता है और बाकी सामान उसी में पड़ा होता है। इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एंड देन ये आ गया इसका बाकी सामान, ये निकाल लेते हैं फर्स्टली। बाद में मैं आपको इसके फ़ैन के पर दिखाऊंगी। ये आपका स्टैंड आ गया, ये नट इसको टाइट करने का, ये आपका बोल्ट आ गया एंड देन ये बाकी सामान जहाँ पे ये ऊपर जब आप गार्डर में या फिर लगाते हैं तो उसका ये सामान आ जाएगा। इसका रबड़ भी मौजूद है, इसकी कील एंड कील में बोल्ट भी सारे मौजूद है एंड देन इसके आगे एक छोटी सी पिच भी लगी हुई है। देन आप लोगों ने डंडे में जो स्टैंड है इस तरह से आप लोगों ने उसे पहले ये नट लगा लेना है, उसमें ये बोल्ट पूरा आप लोगों ने इसमें टाइट कर लेना है, एंड तक बिल्कुल लेकर जाना है जहाँ तक चूड़ी इसकी मौजूद है। ये मैंने टाइट कर लिया। देन आप लोगों ने इसके अंदर से इसकी सारी वायर्स गुजार लेनी है,
ये बहुत आसान तरीका है, बाहर रह जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो क्या होता है कि पंखा जब चलता है तो पार से टकराता है, तो इस तरह आप लोग गुजार लें ताकि आसानी हो जाए। देन इसके बाद आप लोगों ने इसे घुमा के टाइट करना है, एंड जो वो कील आपको दी गई थी आप लोगों ने इतना करना है कि कील आपके दो उसमें दिए गए होंगे होल्स, दोनों होल्स में से आपकी ये कील गुजर जाए। जब तक आप लोगों ने टाइट करना जब तक वो दोनों होल्स वायर वाले स्टैंड के होल्स के बराबर ना हो जाए। फिर आपने हथौड़ी की मदद से इसको थोड़ा सा मार के टाइट करना है। ये दोनों आपके इन दोनों आपने जो ये कील के इसके दो मुंह वाली कील है, एक को एक तरफ टाइट करना है हथौड़ी की मदद से और दूसरे को दूसरी तरफ। इस तरह से ये टाइट हो जाएगा। एंड देन आपने इसका नट भी अलग से होता है, वो नट आपने लगाना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि ये वापस ना निकल आए। जितनी आपकी ताकत है उतना ताकत आप इस पे लगाएं इसको टाइट करने के लिए। एंड देन इस कैप को आपने इस कैप का बाहर वाला होल निकाल लेना है और ये अच्छी तरह से इस पे लगा लेना है ताकि इसका नीचे की कैप ना हिले। देन आ गया, ये तार हमने बाहर निकाल ली थी, ये सिस्टम आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये कैप इसकी ऊपर वाली आ जाएगी। देन इसका नट लगाएंगे इसको अच्छे तरीके से। देन इसका बोल्ट, यहाँ पे वार्शल भी दिया गया है, वार्शल एंड देन उसके बाद बोल्ट लगाएंगे। अब आ जाएंगे इसके पर की बारी, पर के पहले खोलेंगे एंड देन ये आ जाएगा इसके पर। तीनों पर पे इसके प्लास्टिक्स डले हुए होते हैं ताकि ये आपस में ना टकराएं, ठीक है। देन इसको ओपन कर लेंगे, ये इसके तीनों के पर है। देन क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ रबड़ भी दिया गया, रबड़ आपने नीचे रखना है, उसके ऊपर आपने ये पर रखना है। देन आपने अलग अलग करके इसमें वार्शल भी डालना है और फिर वार्शल के बाद नट लगाना है। एक नट डायरेक्ट आपने टाइट नहीं करना, पहले आपने दोनों को बराबर बराबर टाइट करना है वरना पर टेढ़ा लग जाएगा। ये नहीं कि आपने पहले को फुल टाइट कर दिया फिर दूसरे को टाइट करेंगे तो पर टूट भी सकता है या फिर वो टेढ़ा हो जाएगा। तो दोनों को आपने बराबर टाइट करना है। इस तरह टाइट हो जाएगा ये। देन हमारा ये तीनों फैन मैंने पर लगा दिए हैं, ये हमारा फ़ैन कंप्लीट हो गया। एसी डीसी की इस तरह से फिटिंग होती है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए।